नीचे वाली साइड में ये खींचो, इसे खींचो खींचो, खींच इसको खींच। फिर मुड़ जाओ तुरंत, उसने जगह ढूंढा है ना अपने आप को छुपाने की जगह ढूंढता हो छुपाने की। ऐसी थोड़ी सी जगह में मिली पूछ था उसका, तो उसने उधर की तरफ मुझे करता ये है ना। हाँ ये हटा देता हूँ। घोड़ा फंसा रहा है ना, लगी यार जो वहाँ पे पड़ा लगा था मैंने, उसकी वजह से लग रही हल्दी तेल में। इनके यहाँ मिल जाएगा, इनके कोई दे दे तो मैं लगा दी। बड़े मांग के ला जरा हल्दी तेल, थोड़ा सा हल्दी तेल लिया उसमें जरा कटोरी में। सही टाइम पे फोन किया आपने, वो देखिए। हाँ जी कह रहा हूँ सही टाइम पे आपने फोन किया, वो देखिए सांप लग गया इसके यार, और घाव रखा उसके, घोड़ा पछा रही, सांप निकला खेत में तो अभी उसके चोट लग रखी है, तो उसके अभी थोड़ा सा हल्दी तेल लगा के छोड़ देंगे फिर उसको। नहीं ये पता नहीं किस में आया, शायद या तो पराल में आया या खूब गोबर में आया, वैसे आ गया तो करके उसको। हाँ थोड़ा सा उसको चोट लग गई तो फिर थोड़ा करके ये बगल में ही जो ये है ना वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें कपिल भाई की नीचे शॉप है, तो अभी इन्होंने बताया कि वो पकड़ते हैं ऐसे प्रोफेशनली, तो मैंने कहा उनको बुला लेता हूँ मैं। मुझे थोड़ा ना उसके चोट वोट हमें दिख गई थी, तो हमने कहा थोड़ा उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है क्या बात है। और आज बता लेबर काफ़ी है। हाँ अभी वो गोबर आ रहा है धीरे धीरे, हम गोबर आ रहा है, हम बेड बना रहे हैं तो कर रहे हैं उसको। हाँ हाँ ठीक है। गया भाई लेने गया भाई, नहीं पकड़ रखा है। ठीक है मैं करता हूँ आपको 10 मिनट में। ओके खरवट भी लगी है लंबी, ऐसे में लंबी लगी है। क्या कह रहे मैंने कहा ऐसा खरवट भी लगी है इसकी, यहाँ से दिख रहा नहीं, यहाँ से लगे रोल हटाते समय रोल नहीं मारा होगा इसका, ये लग गया होगा इसका, खींचा होगा ना पुराल उसे लग गया होगा। पहनना तो लेता ही है, बच जाएगा तो अभी ये होता है ना कि अगर मैं इसे अभी डब्बे में पैक करता हूँ तो इस पर चीटी लगने लग जाएगी, और हल्दी तेल लग गया इसमें तो फिर चीटी नहीं लगती इस पर। अच्छा फिर इसका घाव ठीक हो जाता है, खिसक जाता है। इसी तो मुंडी जब तक सुरक्षित रहती है तब तक इसके बचने के चांसेस रहते हैं, चोट मुंडी पे लग जाए तब दिक्कत होती है। ये तो जहरीला नहीं रहता ना, नहीं वो कुछ ऐसे गड्ढा खोदा हुआ है कुत्तों ने आके घुस जाऊंगा। जगह मिल गई कैसे घुसने के लिए। पता नहीं गोबर में क्या लेके आए हो सुबह से? गोबर में से आया तुम्हारे, वो पता नहीं चला तुम्हारे गोबर में से निकला है। हाँ भाई, तुम्हारे गोबर में से निकला, पता ही नहीं चला तुम्हें। गोबर में से नहीं आया यार। हाँ, ये प्लांट में घूम रहा था, वही वाला है। ये कहाँ घूम रहा था? ये एक दिन, जिस दिन में उस दिन 17 तारीख को जिस दिन बना लिया, अरे नहीं हमारे पैर के बगल से निकल के गया, यही तो था। नहीं घूम रहा था, कहाँ से निकला ये? शाम में। अरे यहाँ पर क्या था यार, अभी यहाँ पे वैसे यही हो जिस दिन हम ट्रांसफार्मर तोड़ रहे थे। दूसरा है वो, कितना बड़ा छोटा देख ले, आज पकड़ रखा का मेरा एक डब्बा है। भाई इसको तो वैसे ही डर लगता है, ऊपर आसित का उसके बाद वाला ऊपर भरा। भाई चोट कहां पे लगी थी? वो लग रहा क्यों तो आदमी डला हुआ है, पराल पड़ुक बैठा मिल पराल खींच बैर। अच्छा, वो एक बाद वेल तेरे अच्छा ठंडक पड़ गया ना ऊपर वाला पर। आपको पर ये नहीं हो, इसमें बीच में दो चार तक चले थे, चरचरा रहा होगा, जलन हो रही होगी ना, जलन होगी ना, ये लोग लगे वो पराल पड़ुक बैठ बैलो उठा। तुम आ जाओ माल नहीं था, ऐसी माल हो आप। एक काम करो, ये वाला रोड वाला उठा लो, है ना, रोड वाला, और इसको उठा लो, इसको डाल दो पर, इसको वहाँ भर देंगे ना। किसको? इसको तो भरो नहीं, रोड वाला उठा लो। शांत शांत, साइलेंट साइलेंट, नहीं नहीं काटने कूटने का कोई सीन नहीं। प्यार से कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वीडियो मैं सीधा रहा, बीड़ी कितने पिएगा तू? 2 बीड़ी पिएगा एक साथ। काटने का नहीं, काटने का नहीं। कहाँ जा रहा है? पूरे कपड़े खराब करेगा। हाँ चल, अरे केचुए तुझे पहले ये देखना, जो बड़ा केचुआ है ना, घाव पे लगी है, काटने की बिल्कुल कोशिश नहीं की उसने, हाथ के ऊपर आ गया। अरे ये जो खींच रहा है ना घास, उसकी लगी होगी। उस दिन भी ऐसी था नहीं, जब तुम्हारे पैर के नीचे से निकला। हाँ मेरे पैर के नीचे पहले भी निकला। हाँ जिस दिन सिलाई करता था मेरे कितनी क्या तो ये पकड़ा जा चुका है। घोड़ा पछाड़ सांप रेड स्नेक, थोड़ा घाव लग रखा था, ये यहीं पुराल में घुस रखा था। ये भाई जी ये बुला कर लेकर के आए। क्या नाम है भाई जी आपका? है अनुराग। अनुराग, ये किशनपुर चौराहे में ही है, 12 के पास, स्कूल के सामने। अब बच जाएगा, उसकी जिंदगी बच गई। दिखाते हैं जंगल छोड़ते समय। ये देख सकते हो, ये रेड स्नेक है और ये थोड़ा जख्मी भी था, इस पे मलहम पट्टी भी की थी, हल्दी तेल लगाया था, शायद जख्म ठीक हो गया, ऐसा लग रहा है देखने में। हल्का सा ही जख्म बचा है, ठीक हो जाएगा। दिखाते हैं, ये किशनपुर से पकड़ा था, पुराल के अंदर घुसा हुआ था। ये छोटा सा है मगर बहुत ही रफ्तार से भाग रहा है, और ये भाग गया पूरे घने जंगल में, रुकता नहीं है। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।